हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, आपका एक सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट ईयर में। इसमें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर जो आपके 3 क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, साथ में जो आपका सिलेबस भी यहाँ पे कवर करूंगी, क्या क्या सिलेबस है और आपके पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो टोटल आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा कि वो आपका सारी यूनिट्स को मिलाकर होगा और आपको पूरा क्वेश्चन करना है। इसके अलावा चारों यूनिट से जो आपको 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने जो है कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, राइट। तो टोटल आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और एक कंपलसरी वाला, तो टोटल हो गए आपके 5 क्वेश्चन। हर यूनिट से जैसे इस वाली यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे तो उन दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है, फिर अगली यूनिट्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे उनमें से फिर एक अटैम्प्ट करना है। इस तरीके से आपसे जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें जो है आपसे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनका क्या डिफरेंस है, इनके प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स, करैक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ है। तो इसके ऊपर जो है मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने ये चीज़ें जो है एक्सप्लेन भी करी हुई हैं। तो वो आप चैनल विजिट करके, अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से देख सकते हो। इसमें एक तो जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके प्रिंसिपल, फैक्टर, स्टेजेस का एक क्वेश्चन जो है ये बड़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा आप इसके अंदर सेकेंड जो क्वेश्चन कर सकते हो पर्सनैलिटी के बारे में भी, कभी बार ये जो है 4 नंबर में भी पूछा जाता है। और पेरेंटिंग स्टाइल्स का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। सेकंड जो यूनिट आती है वो आपकी थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपके पास जो इसके अंदर क्या क्या आएगा, फर्स्ट आपके ये हेडिंग है, सेकेंड आपका यहाँ पर बनेगा थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इसके बाद थर्ड आपकी जो है कोलबर्ग की जो थ्योरी है ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो साथ में इसकी इम्प्लीकेशंस पूछेंगे, कंसेप्ट पूछेंगे, स्टेजेस पूछेंगे। इन तीनों में से वैसे कोई 2 कर लेना, एक छोड़ देना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो आएगा और ऑप्शन में 2 ऑप्शन आएंगे। तो मान लो आपने अगर ये छोड़ दी और ये आई हुई है पेपर में, आप ये अटैम्प्ट कर दोगे, ठीक है, या फिर फर्स्ट वाली आएगी। ये 3 हेडिंग बनती है यहाँ पे, तीनों हेडिंग में से आप कोई 2 कर लेना, एक छोड़ देना, राइट। और कॉग्निटिव और कोलबर्ग वाली कर लेना मेरे हिसाब से, सेकंड वाली आप हेड जो ये सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है ये आप सिर्फ 4 नंबर के हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड यूनिट आती है, थर्ड यूनिट है आपकी लर्नर एज ए डेवलपिंग इंडिविजुअल, इसमें इंटेलिजेंसी की बात की गई है, क्रिएटिविटी की बात की गई है, राइट, मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात की गई है और मेमोरी की बात की गई है। तो इसके अंदर जो आपका क्रिएटिविटी का क्वेश्चन और इसकी टेक्निक के बारे में जो आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद आपके इंटेलिजेंसी के बारे में इसमें दिया हुआ है और मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग और मेमोरी के बारे में दिया गया है। तो इसमें से भी मतलब ऐसे कर लेना, आप कोई एक हेड तो छोड़ ही देना, ठीक है, उसको सिर्फ 4 नंबर के हिसाब से करना। बाकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका लर्निंग इन सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव, इसमें एजेंसी एंड सोशलाइजेशन का क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद जो है स्टीरियोटाइपिंग की, जैसे बहुत टाइम से वो चीज़ें चलती आ रही है कि लड़की ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, इस तरीके से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मीडिया का क्या रोल है, ये चीज़ें आपके इसके अंदर जो है कवर होती है 4th यूनिट में। अब हम बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये है आपका 2018 का, इसमें जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये कौन से आपके 4-4 नंबर वाले, ह्यूमन ग्रोथ की को डिफाइन करो, प्ले के करैक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पूछा गया है, राइट, मार्जिनलाइजेशन ऑन चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इसके क्या इम्पैक्ट है वो पूछा गया है। तो ये होता है कि 4 नंबर के हिसाब से तो आपने सारी चीज़ें कवर करनी है, बट मेन जो है आपने 15 नंबर के हिसाब से देखना कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने बताया, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन बनता, तो ये आप यहाँ से कर लेना, पेरेंटिंग स्टाइल वाला और पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन कर लेना। बाकी आपके पास जब आएगी वहाँ पे चॉइस तो आएगी, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, दोनों तो करने नहीं है, तो आप कुछ टॉपिक्स जो है वो छोड़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा सिलेबस जो है वो प्रॉपर करना है। तो इनको जैसे कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो आप जो है 15 नंबर के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है किशोरावस्था, चरण की विशेषताएँ क्या हैं, चर्चा कीजिए, तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों आएगा, तो आप देख सकते हो। सेकेंड यूनिट में आपसे पूछा गया वह है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, इम्प्लीकेशन पूछी गई हैं, जो प्याजे की थ्योरी है उसमें, उसके बारे में पूछा गया है, और इसके अंदर सेकंड आपसे पूछा गया है कोलबर्ग की थ्योरी, ठीक है। तो ये है कि आपसे 2 थ्योरी तो वो पूछ ही लेंगे, टोटल 3 है आपकी इसके अंदर, तो कोई एक छोड़ देना और कोई 2 कर लेना, ठीक है।
कोई भी दो कर लेना, एक को छोड़ देना, एक को आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है, ये इसमें से देख सकते हो आप, आपसे क्या पूछा गया है थर्ड यूनिट में, पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में पूछा गया है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे वो पूछा गया है, और आपकी फैमिली और स्कूल का क्या रोल है, किस तरीके से जो है चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से, एक तरीके से वो चीज़ें पूछी गई है कि फैमिली का और स्कूल का क्या रोल पड़ता है बच्चे की डेवलपमेंट में। इसके बाद फोर्थ यूनिट है आपकी, इसमें स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और मीडिया का रोल पूछा जाता है। तो मीडिया का रोल वाला जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर लेना, इसको स्किप मत करना, ठीक है। और ये वाला चाहे आप जो है चार नंबर के हिसाब से भी कर सकते हो, स्टीरियोटाइपिंग वाला क्वेश्चन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आपका नेक्स्ट है ये 2019 का। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कंसेप्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये जो आपके वही है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, मार्जिनलाइजेशन के बारे में, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब देखो ये टॉपिक तो आप देख रहे हो, अभी हमने दो क्वेश्चन पेपर करे, दोनों में बार बार रिपीट हो रहे, तो ऐसी चीज़ें जो रिपीट हो रही ना बार बार, वो तो कभी भी आप स्किप नहीं करनी चाहिए आपको, वो तो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। फिर आपके पास जो है देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल पूछे हुए इसके, वही सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को तो आप स्किप करना मत, जैसे बाकी वाला फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको आप जो है वो चार नंबर के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो, नीड्स एंड प्रॉब्लम पूछी गई है इसके अंदर। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वही है, थ्योरी पूछी गई है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट वाली, और हमसे पूछी गई है प्याजे की थ्योरी पूछी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली। तो वही है, कोई भी दो थ्योरी कर लो, एक स्किप कर लो। अगर मान लो आपने यहाँ पे कॉग्निटिव वाली करी होती और कोलबर्ग वाली करी होती, सोशल वाली नहीं करी होती, तो आप क्या कर सकते थे, प्याजे वाली जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसको अटेम्प्ट कर लेते, है ना। तो एक यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। थर्ड वाली यूनिट में आपसे पूछा गया है वही फैमिली और कम्युनिटी का रोल पूछा गया, तो किसी न किसी का यहाँ पे रोल पूछते हैं, चाइल्ड की डेवलपमेंट में क्या रोल है इसके अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या इम्प्लीकेशन है सोशल एंड कल्चरल में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चाइल्ड डेवलपमेंट। फोर्थ यूनिट में आपसे वही स्टीरियोटाइपिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है और मीडिया का रोल पूछा गया है। तो वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, आपने जो है इन्हीं क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है। फिर ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या क्या पूछा गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात की गई है, सोशल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये क्वेश्चन चार नंबर के हिसाब से पक्का कर लेना। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, ये भी आपने करना है चार नंबर के हिसाब से, तो पक्का ही करना है। नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2020 में, और लगातार क्वेश्चन पेपर है ये 2018 का, 19 का और 20 का, सेम क्वेश्चन पूछा गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और इसके प्रिंसिपल्स ही पूछे गए हैं, इसका कंसेप्ट पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी बार बार जो है नीड्स एंड प्रॉब्लम इसकी बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ ली है कि टीचर का क्या रोल है, कि वो कैसे मतलब उसके बिहेवियर को शेप दे सकता है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पूछी गई है, इम्प्लीकेशंस और इसको एक्सप्लेन करना, और कोलबर्ग की पूछी हुई है। इसके बाद फिर थर्ड यूनिट में आपसे पूछा गया कि ओवरऑल जो है स्टूडेंट की एक तरीके से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात की गई है यहाँ पे, और किस चीज़ का रोल यहाँ पे पूछा गया, होम एंड फैमिली का। इसके बाद आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने जो है ये दो पार्ट्स में पूछ लिया, 8+8 करके 8 नंबर का ये हो गया आपका, 8 नंबर का ये हो गया, जिसमें से पूछा गया है डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ प्ले एंड रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके अंदर थर्ड पार्ट भी है पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट चाइल्ड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे चार नंबर के हिसाब से लगा लो, चाहे आप 15 नंबर के हिसाब से लगा लो। इसके बाद फोर्थ यूनिट में वही बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मार्जिनलाइजेशन के बारे में पूछा गया, इसका इम्पैक्ट बताना, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट करती है ये चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मीडिया का रोल, तो मीडिया का रोल हर क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया, जो भी हमने अभी प्रीवियस ईयर जितने भी करे, डेवलपमेंट के एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो हमसे ये पूछे गए हैं, फीचर्स पूछे गए हैं, इसके प्रिंसिपल्स पूछे गए, कंसेप्ट पूछा गया है, तीनों में से कोई भी एक थ्योरी ज़रूर आपने करके आनी, एक स्किप कर सकते हो, बाकी दो ज़रूर करनी है आपने पेपर में, तो एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपने 15 नंबर का, या प्याजे की कर लो, चाहे कोलबर्ग की कर लो, ठीक है, चाहे वो सोशल वाली कर लो। फिर उसके बाद थर्ड में आपने किसी न किसी का आपसे रोल पूछ लेंगे कि चाइल्ड की डेवलपमेंट में इस चीज़ का क्या रोल है, होम का पूछ लिया, फैमिली का पूछ लिया, स्कूल का पूछ लिया, इस तरीके से। और फिर फोर्थ यूनिट में आपसे मीडिया का रोल हर बार पूछा जाता है। तो ये कुछ गिने चिने से क्वेश्चन, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके पेपर की जो अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, आप सारा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। सो ऐसे ही मैं बाकी वाले सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं जो है कवर करवाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
Bye.